चाहिए कि हम जो जीवन में व्यवहार कर रहे हैं उसमें हमारा स्वार्थ कहाँ है और परमार्थ कहाँ है। मनुष्य इन्हीं दो का बाइफर्केशन नहीं कर पाता है। भाई साहब को पता है कि उसको कह दूंगा कब आएगा? मेरी श्रद्धा है और भाई साहब का विश्वास है, हमारी आपकी दिनचर्या में गंगा मैया के प्रति अथवा समस्त नदियों के प्रति जब इस प्रकार की श्रद्धा की दृढ़ता होगी तो जिस लक्ष्य को लेकर के गंगा समग्र एक आंदोलन स्वरूप में खड़ा हो रहा है ये प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं, बहुत सरल है। लक्ष्य की प्राप्ति हमारी निष्ठा पर आधारित है। हम अपने लक्ष्य के प्रति कितना निष्ठ हैं, कितना समर्पित हैं, कितना लगे हैं, उसी पर हमारा लक्ष्य साध्य हमारे निकट आता है। अब देखा जाए, कोई औचित्य नहीं, अहल्या माँ का उद्धार हुआ और जब चले हैं गुरु विश्वामित्र जी महाराज तो विदेहराज का नगर आने वाला है, आगे धेनुमती माता है, परंतु पूज्यपाद गोस्वामी जी ने एक प्रसंग वहां पर केवल गंगा दर्शन करके उपस्थित किया। गाधे सोनु सब कथा सुनाई, जिहि प्रकार सुर सरी महिया। भूत भावन भगवान शिव कहते हैं, देवी जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक बारी। माता जी श्रोता बड़ी अद्भुत, गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई आदि आदि में माँ ने पूछा कि ये पढ़ने गए आप तो कह रहे हैं रोम रोम प्रतिवेद कहे। बाबा बोले यही तो घटना है, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। ये भगवान लीला कर रहे हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम में जो उपस्थित होगा उपनयन संस्कार उपरांत उसको मेरे जैसा ही पढ़ना पड़ेगा। ये ब्रह्मचर्य आश्रम का संस्कार है। गुरु वशिष्ठ भगवान ने राम जी को पूरी सृष्टि का परिचय कराया है, तो ये गंगा जी जही प्रकार सरस्वती